आरपीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। बड़वानी में सहायता योजना की राशि अभी तक प्राप्त न होने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जो हमेशा छात्र हित एवं राष्ट्र हित में कार्य करता है। समय समय पर विद्यार्थियों के हितों की ओर विद्यार्थी परिषद शासन एवं प्रशासन के समक्ष मांग उठाता रहता है। शासन द्वारा प्रतिवर्ष विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्रों को उनके शिक्षा संबंधित खर्च के वहन हेतु छात्रवृत्ति एवं घर से दूर बाहर रहकर पढ़ने वाले छात्रों को आवास सहायता राशि दी जाती है, ताकि उन्हें पढ़ाई करने के लिए आर्थिक समस्याओं का सामना न करना पड़े। बड़वानी एक पिछड़ा एवं जनजाति बाहुल जिला है। यहाँ के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के अधिकांश छात्र आर्थिक रूप से कमजोर हैं। साथ ही जिला मुख्यालय पर रहने वाले व आसपास के जिलों के विद्यार्थी भी अध्ययन करते हैं, जिनके अभिभावक बड़ी मुश्किल से उनके रहने खाने एवं पीने के लिए राशि जुटा पाते हैं। शासन द्वारा इन छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता योजना राशि की सुविधा से उन्हें राहत मिलती है तथा विद्यार्थियों को अध्ययन में कोई समस्या नहीं आती है, परंतु विगत वर्षों से विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता योजना की राशि समय पर नहीं मिल पा रही है। शासन एवं जिले के छात्रवृत्ति संबंधी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मियों के सुरत रवैये के कारण गत वर्ष की छात्रवृत्ति आज दिन अंक तक विद्यालय के कुछ विद्यार्थियों के नहीं मिली है एवं न ही महाविद्यालय के कुछ विद्यार्थियों को मिली है। जिले का अग्रणी महाविद्यालय भाहिद भीमानायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी की बात की जाए तो गत वर्ष 2018-19 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु के कुल 2178 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2124 आवेदन स्वीकृत हुए हैं, जिनकी की कुल राशि 2,14,076 रुपए है, जो अभी तक कच्छ छात्रों को नहीं मिली है। वहीं अनुसूचित जाति के छात्रों के 508 से 454 आवेदन स्वीकृत हुए हैं, जिनकी राशि 35,54,954 रुपए है, तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के 1,372 आवेदनों में से 1,113 आवेदन स्वीकृत हुए है, जिनकी राशि 86,53,451 रुपए। इस तरह मात्र एक महाविद्यालय में कुल प्राप्त 4,058 आवेदनों में से स्वीकृत 3,691 छात्रों को नहीं मिली है। जिले के अन्य महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में यह संख्या अधिक है। इन मांगों को लेकर एबीवीपी ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी, अगर समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन होगा। आया धरने पर क्यों बैठे आप लोग? हमारे जिला ट्राइबल जिला है, यहाँ पर जनजाति क्षेत्र के विद्यार्थी ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। पिछले 6 महीने से मतलब सरकार चेंज हुई है, उससे बच्चों को स्कॉलर और हाउस बदला नहीं मिल पा रहा है, जिससे बच्चे परेशान हो रहे, घर छोड़ जा मतलब और पढ़ाई छोड़ जाने को घर जाने के लिए मजबूर हो गए। वो कितने छात्र हैं सर? 50% से ज़्यादा छात्र, जिनको स्कॉलर नहीं मिल रहा है, आवाज बदला भी नहीं मिल रहा है। कितनी राशि होगी लगभग? 2 करोड़ से लगभग है, 2 करोड़ से ऊपर, 2.5 करोड़। क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग कर रहे हैं सरकार से कि जल्द से जल्द राशि उपलब्ध कराई जाए, आवाज भत्ता और छात्रवृत्ति तो विद्यालय विश्व आंदोलन करेगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। पिछले भी 2 बार अवगत करा चुके हैं, बाकी कोई ध्यान नहीं दे रहा, अधिकारी भी इतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, सरकार चाहिए जब अधिकारी अफसर ध्यान नहीं दे रहा हमारा। कितना सालों की है? पिछले सत्र में भी नहीं मिली, सत्र में भी नहीं मिली अभी तक। और ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी जो मतलब उनकी बैचलर डिग्री कंप्लीट होकर घर छोड़ मतलब विद्यार्थी महाविद्यालय छोड़ के घर जा चुके हैं, अभी तक उनका नहीं मिल पाया है। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चे होते जो पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो गए, वो शासन इसमें भी कोई तक रिस्पॉन्स नहीं मिला, शासन का पॉजिटिव उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है, यदि 8 दिन में रिस्पॉन्स नहीं मिलता पॉजिटिव तो उग्र आंदोलन करेगा विद्यार्थी परिषद, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी है। और विभागों के चक्कर लगाए जा रहे हैं, इनका ऐसा कहना है और ज्ञापन प्रस्तुत किया है, तो संबंधित विभाग से उसको जो है जांच करवा लेते हैं कि उसमें योजनाओं में क्या दिक्कत आ रही है। हमें संबंधित जो है कंसर्न जो है डिपार्टमेंट है उनसे बात करता हूं और उसमें क्या योजना है और उस आधार पर क्यों नहीं मिल पा रहा है।